हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टेनो हेल्थ पीपी। डिक्टेशन नंबर 85 एंड 86। स्पीड इज 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। सभापति महोदय, जो रिपोर्ट मद्य निषेध के संबंध में सदन के सामने प्रस्तुत हुई है, मैं उसके संबंध में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट के दो भाग हैं। इन दोनों भागों में बहुत सी बातों का वर्णन किया गया है। बहुत सारी विवेचना इस रिपोर्ट के अंदर है। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ठोस और विशेष बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि क्या नशाबंदी हमारे लिए आवश्यक है? क्या यह आवश्यक है कि हम मद्यपान ना करें? इस पर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वह खेती का हो, व्यापार का हो, या यांत्रिक युग और विज्ञान का हो, उसके लिए आवश्यक है कि आदमी का मस्तिष्क ठीक तरह से काम करे। अगर मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह उसको ठीक तरह से नहीं कर सकता। और यह शराब एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलन खो देती है। इसीलिए हमारे देश में हमारे नेताओं ने यह आवश्यक समझा था कि अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक रखना है, लोगों को किसी चीज का ज्ञान देना है, किसी चीज को उन्हें सिखलाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि इंसान का दिमाग ठीक रहे। और इसीलिए नशाबंदी का होना बहुत ही आवश्यक है। इस बात का प्रचार स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी किया गया। यदि हम धार्मिक ग्रंथों को देखें, हिंदू धर्म के वेद तथा शास्त्रों को देखें, ईसाइयों की बाइबिल को देखें या मुसलमानों की पवित्र कुरान को देखें, तो किसी ग्रंथ में भी इस प्रकार की विचारधारा नहीं है कि आदमी शराब पिए। हर स्थान पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने, चाहे वे लोकमान्य तिलक हो या महात्मा गांधी जी हो, जो कि इस देश के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए अग्रसर थे, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा इंसान के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है और इसलिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि शराबबंदी को जहां जहां भी डील दी गई है, वहां पर देखने से पता चलता है कि हालत कितनी खराब हुई है। सभापति महोदय, शराब पीने से शारीरिक हानि और आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी वह बहुत बुरी सिद्ध होती है। जहाँ पर नशाबंदी खुल गई है, मुझे पता है कि महाराष्ट्र और आंध्र के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर शराबबंदी लागू नहीं है, वहाँ पर दिन दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, इस अनुदान पर जब हम विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने तीन परिस्थितियां हैं। नक्सलवादी किसान विद्रोह, देश के अनेक भागों में अकाल की काली छाया और आंदोलनों की बढ़ती हुई लहर,
मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार की अब तक की खाद्य नीति और कृषि नीति असफल सिद्ध हुई है। इसका मूल कारण क्या रहा? कारण केवल एक रहा है कि क्रांतिकारी भूमि सुधार अब तक 55 वर्ष के अंदर भी नहीं किए जा सके, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 वर्ष में वे कर दिए जाने चाहिए थे। इसीलिए हम इस क्षेत्र में अब तक असफल सिद्ध हुए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संग्राम के जमाने में सबसे आकर्षक नारा हिंदुस्तान के करोड़ों मानवों को किसानों को दिया गया था, यानी जमीन उनको दी जाए जिनके हाथ जमीन जोतते हैं। लेकिन वह राष्ट्रीय आदर्श आज तक भी चरितार्थ नहीं किया जा सका है। एक तरफ करोड़ों एकड़ प्रति बंजर जमीन पड़ी है, जो कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 11 करोड़ रुपए एकड़ से कम नहीं है। इन जमीनों का उपयोग ना होने के कारण से आज किसानों की समस्या हमारे लिए एक महान विभीषिका का प्रश्न बन गई है। आज स्थिति यह है कि करोड़ों खेत मजदूर, भूमिहीन आदिवासी, हरिजन एक तरफ पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ करोड़ों एकड़ प्रति बंजर जमीन अनेक रूप में पड़ी हुई है, लेकिन उनका समागम नहीं होने दिया जा रहा है। इसीलिए आज बेकारी में भी इतनी वृद्धि हुई है। हम यह नहीं कहते कि प्रति बंजर जमीन को भूमिहीनों में बांटने और भूमि सुधार के क्रांतिकारी कानून से सारी बेकारी दूर हो जाएगी, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि उससे बेकारी की गिनती में बहुत बड़ी कमी होगी। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है किसान समस्या, इन्हीं कारणों से उसका समाधान आज तक नहीं हो सका है। यह कलंक है। हमें हर संभव रूप से किसान की सहायता करनी चाहिए।